करना जिसपे की हार्ड डिस्क लेकर के आई कैन एक्सेस योर सिस्टम एंड हेल्प यू आउट, ठीक है? राइट सर, यस सर। So one last question, means these pages which has these index and abbreviation and list of figures, these pages do not have any page number at the bottom. Jo your page numbers will start from executive summary. Prior to that, there will not be any page number. Okay. Okay. सर, जो सिनॉप्सिस भेजना है था उसमें तो वैसे भी इंडेक्स ये सब तो अटैच करना नहीं है ना अभी तो। एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, चार पेज का डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जब आप उस पर जब आप काम करोगे तो उसको होना बहुत जरूरी है। Definitely, sir. और सर, just one more question. ये जो आप citations बोल रहे हैं, तो सर कैसा होता है कि topic है ना, मतलब एक जो topic हम लोग ले रहे हैं वो बहुत specific हो जाता है, right? अगर मैं अगर बात करूँ तो बहुत specific topic है, उससे direct related ना, तो मेरे को direct कोई research paper मिल रहा है, तो मेरे को उसको topic को कैसा, मेरे को welding के ऊपर अलग research paper मिल जाएगा, optimization के ऊपर अलग मिलेगा, sequencing के ऊपर अलग मिलेगा, और वैसे ही उसका जो data भी है वो अलग अलग website पर से थोड़ा थोड़ा data आता है, कहीं पे मेरे को सिर्फ JIT के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया है, कहीं पे मेरे को लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो जहां से मैं एकाधिका दो दो लाइन ले रहा हूँ वो सब भी मैं साइटेशंस में दूं? देखिए कैसे है, एकाधिका लाइन वगैरह ले रहे हो, बट अगर वो उनका कॉपीराइटेड इन्फॉर्मेशन है देन इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू राइट साइटेशन। अगर कॉपीराइटेड नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल को कोई उठ करके आपको बोलना नहीं चाहिए कि आपने मेरा डेटा कॉपी किया है। ओके, ठीक है। सो ये जो आप साइटेशंस डालते हो ये बस सिर्फ आपको अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए होता है कि भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहां पर था, ठीक है? सो यू आर आउट ऑफ दैट ब्लेम। सेकेंडली, आप किसी दूसरे के डेटा को अपना डेटा नहीं बोल रहे हो, तो कल को वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है। Right, sir. इसके लिए ये आपको करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है सर। एनी अदर डाउट्स? सर, फाइनली ये जो प्रोजेक्ट में अगर इफ वी आर यूजिंग सम फाइल्स एक्सटर्नल फाइल्स से सॉल्वर के लिए कुछ एक्सेल शीट्स बनाया है, करेक्ट, तो ये सब एक्चुअल डॉक्यूमेंट, ये इस वर्ड डॉक्यूमेंट में वो फाइल्स का स्क्रीनशॉट्स या जो है वो लगाना पड़ेगा, या दोस फाइल्स कैन बी केप्ट एक्सटर्नल टू द रिपोर्ट, हाउ डज दैट वर्क? इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू पुट इट। नॉर्मली अगर आप उसमें बता रहे हो कि यू आर क्रिएटिंग अ मॉडल काइंड ऑफ एंड यू आर डूइंग द मॉडलिंग यूजिंग एक्सेल सॉल्वर, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहिए, ओके? जहां पर कि आप बता सकते हो कि आपने क्या चीज किस तरह से कैसे कैसे किया है। पूरा एकदम से डिटेल्ड होने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट सम टू सम एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो आप चाहो तो उसमें जो कई बार कुछ लोग सॉफ्ट कॉपी भी साथ में, मतलब एक सीडी जैसे बर्न करके उसके साथ में आपके रिपोर्ट के साथ में अटैच करके यू कैन से कि दीज आर द डिजिटल कॉपीज फॉर रेफरेंस, ओके, तो आप वो डाल सकते हो, नहीं तो आपको वो भी देने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली, ओके, ठीक है, ओके। और कुछ sir, do we need to send the synopsis again or it will means these things we will take care in the final report? Dekh, honestly bolu, idhar par aap logo ko ragda karke koi matlab nahi hai, aap sabke isme se maine jiska jo mere ko sabse acha laga kafi well, matlab references wagera bhi thoda izzat se dala hua tha, that was Akansha, okay? उसके लिए आई वुड से टू सम एक्सटेंट बिकॉज शी इज कमिंग फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, आई थिंक दैट वुड हैव हेल्प्ड हर इन अंडरस्टैंडिंग एपीए फॉर्मेटिंग एंड ऑल। हेलो आकांक्षा,
हाँ तो am I right or how it is? Yeah, 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 sir. Yeah. आपने पास्ट में ऑलरेडी पब्लिश किए हैं? Yes, one paper I have published and I'm working on another, so I have that idea. हाँ, so इसके लिए आकांक्षा was the one who has done it best. ठीक है, बहुत सारे नहीं थे, बट उसमें उन्होंने उसको बरकायदा कैटेगराइज किया था. आपका एपीए रेफरेंसिंग, फिर वेबसाइट वैसे करके आपने डाले थे. बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर आप वैसे करोगे ना तो आपको कैटेगराइजेशंस वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यस सर. या या सर. श्योर श्योर. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड देयर इज नॉट व्हिच इट कैन डू. मैंने आप लोगों को सिर्फ उसका ग्लिम्प्स दिया है अभी इस वक्त. एंड सही में देखा जाए तो हम अगर इसको वर्ड को अगर उसके पोटेंशियल पर यूज करें ना, सो पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल वगैरह सब कुछ बहुत इजीली बहुत अच्छे से बन सकता है. ठीक है. ऑप्शंस रहते हैं, आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो. आप डिक्टेट करते जाओ, वो आपके लिए टाइप भी कर देगा. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन डू फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक्सप्लोर इट. और मैंने तो आपको सिर्फ वही वही चीजें बताया जो आपको अभी यहाँ पर आपके लिए जरूरत है. ठीक है, फॉर द रिपोर्ट. एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू नो? और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता था तो सॉरी फॉर देम, क्योंकि वो बेचारों का उन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ. नहीं सर, काफी कुछ अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ. लाइक हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, बट बहुत कुछ है जो फंक्शनलिटी कभी यूज नहीं किया था तो कभी पता नहीं होता है, बट यहाँ पे काफी कुछ के लिए. Yes sir, we knew many of the things, but practically when it comes to applying, then we missed it out. So it was actually helpful. The lecture was really helpful. चलो अभी अभी मेरे लिए Where can I improve? इसमें से कोई ऐसी कुछ चीज थी जो आप लोगों को पता है एंड यू कैन डू इट बेटर? सर टेबल वाला मैंने मतलब एक ट्राई किया था. हाँ. जिसमें मैं टेबल्स मतलब कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से उठा के एक्सेल में पेस्ट कर देती थी. एक्सेल में. हाँ. सारा फटाफट फॉर्मेटिंग करके वर्ड में चिपका देती थी, तो वो. हाँ. थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे रादर देन फॉर्मेटिंग. गुड आइडिया. मैं कोई तो ब्राउजर पे काम कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर विच ब्राउजर इट वॉज. उसमें ना जितने भी टेबल्स होते हैं ना, वो टेबल्स पर अगर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो सो यू कैन एक्सपोर्ट दैट डेटा डायरेक्टली टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और फिर उधर से ले पाना और भी आसान हो जाएगा. बट हाँ, ये सच में एक अच्छा ऑप्शन है विच यू कैन लुक एट. रियली गुड. आप उसको पहले एक्सेल में डाल दीजिए और फिर एक्सेल से इधर पर डालेंगे, मच बेटर आइडिया. और एक्सेल में ही फटाफट फॉर्मेटिंग हो जाता है, लाइक सारे एक्सेल में ही ज्यादातर काम करते हैं, वर्ड में तो काफी कम काम होता है हमारा. तो वो एक्सेल में ही सारा फॉर्मेटिंग वगैरह फटाफट हो जाता है और फिर उसी को उठा के वर्ड में एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं या फिर एज एन इमेज या एज अ टेबल फॉर्मेट, दोनों भी चलेगा. इमेज में बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन नॉट रीफॉर्मेट इट, यू कैन नॉट रीशेप इट. ओके, बट हाँ, अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, उसको एज इट इज डालना है, तो इट्स द बेस्ट वे टू डू इट. क्योंकि इमेजेस तो आप फटाक से उठा सकते हो. ठीक है. एनीथिंग एल्स? अच्छा, कोई लगता है अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहता? नहीं सर, आप ज्यादा अभी आपको आपने ज्यादा कुछ बता दिया सर. यस सर, यू कवर्ड एवरीथिंग व्हिच वी आपने ज्यादा बताया सर. यहाँ पे हम लोगों को सीखने की जरूरत है सर, तो अगर और कुछ आप बताने वाले हैं तो डेफिनेटली हम लोग वो और सीख. नहीं, रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी था वो तो मैंने सब कुछ मतलब जितना मुझे याद आया मैंने लिटरली सभी कुछ शेयर किया. करते करते ऑल ऑफ अ सडन बीच में ये आपका लैंडस्केपिंग और इसका भी याद आया, मैंने वो भी शेयर कर दिया.
सच मुझे सच कुछ भी वो नहीं लग रहा है, बट हाँ जब आप लोगों का सिनॉप्सिस रिपोर्ट्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि आई नीड टू हेल्प यू आउट हियर. दैट वाज द रीजन व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए सो दैट वी कैन टेक वन मोर सेशन. एंड यार मुझे मालूम है कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू शेल आउट टाइम नाउअडेज, क्योंकि अभी जब आप लोगों को मैं पीडीएफ एक वो दिखा रहा था तो आपने देखा सीबीएसई का पेपर्स वगैरह का भी ओपन हुआ, ठीक है. सो मेरी खुद की भी बहुत बैंड बजी हुई है. आप मेरा जब मैंने क्रोम ओपन किया था तो देखा होगा बहुत सारे टैब्स ओपन थे, बहुत सारे मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं. सो मुझे मालूम है कि जो हालत मेरी है वो आप में से सभी की वही हालत होगी. सो यस सर, मुझे पता है कि यार शेलिंग आउट टाइम इज डिफिकल्ट. मैं खुद भी सही बोलूं तो यार दिन में शायद 4 से 6 घंटा ही सिर्फ सोना होता है, कभी कभी उससे भी कम. और मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइज कि उतनी रात को मैं मैसेज डाल रहा हूं और आप में से 2-3 लोग उसमें भी उस वक्त भी 3 बजे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. आई अज्यूम द कंडीशंस आर द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. सो Thank you, sir. Good night.